हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ राहुल फ्रॉम लखनऊ। वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। दोस्तों आप सब कैसे हैं? दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो रेड बटन दबा के चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि जो भी वीडियो मैं अपडेट करूं उसका नोटिफिकेशन आपको हर दिन मिल सके। मैडम लॉन्ग हॉर्न पुश कर लीजिए वरना इनका आखिरी दूध होगा आज का। हाँ, क्योंकि उन्होंने हेडफोन लगा रखा है ना कान में, तो उनको पता नहीं चलेगा कि गाड़ी कौन सी आ रही है। और अगर आपको मेरे से बात करनी तो आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं लर्निंग टू ड्राइव के नाम से, और वहाँ पे आपको मेरा कॉन्टेक्ट नंबर मिल जाएगा। तो मेरे साथ मेरी स्टूडेंट है, मैं उनसे बात कर लेता हूँ। क्या नाम है आपका मैडम? मेरा नाम स्मृति है। और कौन सा डे है आज आपको ड्राइविंग करने का? आज मेरा नाइन्थ डे है। ओके, और कौन कौन से गियर में आपने कार अभी तक चलाई? फर्स्ट, सेकंड और एक बार थर्ड में भी चलाई। एक बार थर्ड में भी चलाई थी। तो आज क्या सीखने वाली हैं आप? आज मैं सीख रही हूँ यूटर्न लेना। कार को यूटर्न करते वक्त किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए, है ना, कौन कौन सी एक्टिविटी करनी चाहिए? तो पहले तो अभी मैं बताता हूँ आपको। पहले तो चौधरी साहब बैठे सामने, इनको हॉर्न बजा के अलर्ट कर दीजिए। हाँ, लंबा हॉर्न बजाइए। चलते रहिए, वो हट जाएंगे। वो आपका कॉन्फिडेंस लेवल चेक कर रहे हैं। आप चलते रहिए, हट जाएंगे। देखो हट गए, वो आपका कॉन्फिडेंस लेवल चेक कर रहे थे कि देखूं क्या कॉन्फिडेंस है आपका, और वो नंबर भी आपकी गाड़ी का नोट कर रहे थे ताकि कल को कंप्लेंट कर सके। सीधा चलना है, सीधा स्ट्रेट। हाँ, हल्का लेफ्ट आओ, बस स्ट्रेट। मैडम स्टीयरिंग जैसे मैंने बताया वैसे पकड़ने की थोड़ी सी कृपा अगर दृष्टि बनाए रखेंगी ना। हल्का सा लेफ्ट आ जाओ, ठीक है। अपने लेफ्ट और राइट वाले आरबीएम को आपको बार बार रिकॉल करते रहना ताकि आपको ये पता चलता रहे कि आपके लेफ्ट और राइट में चल क्या रहा है, ठीक है। यूटर्न वाला जो पैटर्न होता है ना, यूटर्न के लिए, यूटर्न से आपको बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है। सबसे बड़ी चीज़ तो आपको स्टीयरिंग सीधा सीधा जब आप कार चलाते हो तो स्टीयरिंग आपको बहुत ज़्यादा घुमाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन जब आप यूटर्न करते हो तो 90 डिग्री से आपको स्टीयरिंग को घुमा के और सीधा करना होता है। फुल 100% जब आप स्टीयरिंग को घुमा के एकदम लॉक हो जाता है स्टीयरिंग, है ना, तो उससे बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। और सीधा सीधा चलाने से आपको वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा जो कि टर्निंग पॉइंट पे आएगा। अभी आपको करना है क्या है, अभी आपको गाड़ी को लेफ्ट में रोकना है जब मैं बोलूँगा। अभी चलते रहो, अभी थोड़ा सा स्पीड बढ़ा के सेकंड गियर करो। पहले स्पीड बढ़ाओ, चलो जाओ स्पीड बढ़ाओ, और राइट वाला पैर ब्रेक पे लाओ, क्लच दबा के सेकंड गियर, पूरा क्लच दबा के फुर्ती से सेकंड, वेरी गुड। चलो अभी जाने दो, लेफ्ट का सिग्नल दो, क्लच को फ्री करो। हाँ, हल्का राइट दबाओ, स्कूटी वाले को क्रॉस करो। हाँ, मैडम को भी क्रॉस कर लो। हाँ जाओ, अब लेफ्ट का मैंने सिग्नल इसलिए दिलवाया था कि पीछे से आने जाने वाले लोग अलर्ट हो जाए। आप धीरे धीरे लेफ्ट दबाओ, और जो लेफ्ट वाला टायर है ये व्हाइट लाइन पे रखो, जो व्हाइट लाइन है इसके ऊपर लेके आओ। हाँ, सीधी करो गाड़ी, अभी रोको, पूरा क्लच देन ब्रेक, स्टॉप, पूरा क्लच फुल ब्रेक, ठीक है। ट्रेन की तरह आपने ब्रेक लगाई, चूं करके आवाज आई, आई नहीं आई जी? अब इसको फर्स्ट गियर में करा, कन्फर्म है? कन्फर्म है। अभी राइट का सिग्नल दो, 90 डिग्री से घुमा दो स्टीयरिंग, फुल घूम गया पूरा स्टीयरिंग। अब राइट की तरफ स्टीयरिंग को खींच के रखो, राइट की तरफ स्टीयरिंग को खींच के रखो, अभी क्लच ब्रेक मत छोड़ना, ठीक है। देखो अंकल जी की स्पीड थोड़ी सी बढ़ गई, जब उन्होंने देखा महिला चालक, ऊपर से पीछे लिखा कार नॉलेज बाय राहुल, तो पहले धीरे धीरे आ रहे थे फिर स्पीड बढ़ गई। अब अपने राइट वाले आरबीएम को चेक किया जी। अब आप जाओ धीरे धीरे, पहले ब्रेक को रिलीज करो फिर हाफ क्लच छोड़ना, ब्रेक को रिलीज करो और हाफ क्लच छोड़ना। चलो फुल क्लच नहीं, हाफ क्लच, कोई भी गाड़ी है ना फर्स्ट गियर में हाफ क्लच पे मूव करने लगती है, तो वहाँ फुल क्लच रिलीज करने की जरूरत नहीं है। हाँ बस धीरे धीरे जाने दो, जाने दो, जाने दो, पूरी घूमी रहने दो, पूरी फुल फुल घूमी रहने दो, फुल फुल। अरे मैडम आप ना कसम से पूरा एकदम तो खूनी पी जाती है मेरा। अच्छा आप मुझे पूरा सर्कुलर राउंड बता। हाँ, पूरा राउंड घूमा रहने दो। अच्छा। हल्का सा स्टीयरिंग सीधी करो, सीधी करो हल्की, सीधी, अब पूरी फुल घुमा दो, फुल। इससे ज्यादा नहीं। हाँ बस इससे ज्यादा घूमेगी नहीं। अब आपको ये समझ में आ रहा है ना कि पूरा स्टीयरिंग घुमाने के बाद गाड़ी कितनी जगह लेती है, देख रहे हैं आप, पूरा स्टीयरिंग। अब आपको यहाँ पे रोक लो, पूरा क्लच और ब्रेक स्टॉप, बस अभी रुकी रहने दो, इनोवा निकल जाने दो, अब फिर राइट घुमाओ। फुल कटी रहने दो, और आप सुना करिए जब मैं बोलता हूँ। अब मैंने वहाँ फुल बोला था, आप सीधी कर रही थी स्टीयरिंग। नहीं सर, मुझे लगा आपने यूटर्न के लिए प्लान किया। आप स्टीयरिंग सीधा करो, फटाफट सीधा करो। अब आपने देखो सीधा करने में टाइम लगा दिया, गाड़ी आपकी लहरा गई, हल्की
हल्की सी, इतने में तो ट्रैफिक में काम हो जाएगा, जितनी लहराई है आपने इतने में तो ट्रैफिक में सीन हो जाएगा, हल्का लेफ्ट आओ, बस सीधी रखो और लेफ्ट आओ और वाइट लाइन पे चलाओ ना, वाइट लाइन पे और लेफ्ट आओ और थोड़ा सा लेफ्ट आओ और लेफ्ट आओ, हाँ अभी सीधी रखो, लेफ्ट आओ हल्का, हाँ अब रुको, स्टॉप करो पूरा क्लच देन ब्रेक स्टॉप, हाँ अब राइट का सिग्नल दो मैडम। मैं आपको वर्डों में बताता हूँ, राइट का सिग्नल दो, दे दिया पूरी 90 डिग्री से घुमाओ स्टीयरिंग फुल, पीछे से गाड़ी आ रही, हाँ तो आप ब्रेक क्लच दबाए रहो, स्टीयरिंग घुमाने में क्या है, जाओ फुल घुमा दिया, अभी क्लच ब्रेक दबाए रहना, वो अंकल को निकल जाने दो, बच्चों को लेके आ रहे ना निकल जाने दो, पूरा क्लच दबा के ब्रेक ले रहना, हाँ वो देख रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, अभी क्लच और ब्रेक दबाए रहना, फुल क्लच दबा के ब्रेक लिए रहना, ठीक है 90 डिग्री से आपने पूरा स्टीयरिंग घुमा दिया है, पूरा स्टीयरिंग आपने घुमा दिया है, इससे आगे नहीं हो रहा, नहीं हो रहा है ना, तो मैं अब आपको राइट वाले आरबीएम को देखने जाओ, धीरे धीरे पहले ब्रेक छोड़ो फिर धीरे से क्लच छोड़ो, जाओ चलो धीरे धीरे फुल गड्डी रहने दो, फुल फुल गड्डी रहने दो, फुल 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 फुल, हाँ चलो स्ट्रेट करने के लिए बोलेंगे तो, हाँ धीरे एकदम धीरे धीरे हाफ क्लच पे, अब स्टॉप करो पूरा क्लच ब्रेक स्टॉप, हाँ अब मैंने क्यों स्टॉप करने को बोला, ताकि आप जरा लेफ्ट में नजर डालो, जी ये पल्सर 125 खड़ी, स्कूटी खड़ी, तीन चार गाड़ियां खड़ी हैं, ठीक है, तो ये चीज जब कभी अगर आपको डाउटफुल हो रहा है ना, तो आप हमेशा एक चीज का ध्यान दीजिएगा कि गाड़ी की जो सिचुएशन है वो क्या है, आपके जो टायरों का मूवमेंट है वो क्या है, ठीक है, अभी धीरे से गाड़ी बढ़ाओ, थोड़ा सा बढ़ाना है, हाँ बढ़ाओ अभी सीधी, आप सीधी करो स्टीयरिंग, बस हल्का राइट रखो, वेरी गुड, अब सीधी करो स्टीयरिंग पूरा, लेफ्ट आओ हल्का, लेफ्ट बोला मैंने, सर अगर मैं गाड़ी सीखना, क्लच को रिलीज करो, क्लच को, क्लच को रिलीज करो, रिवर्स में यू टर्न कराऊंगा, रिवर्स में यू टर्न, हाँ इसको न्यूट्रल करो गाड़ी को, अब राइट दबा के रिवर्स गियर डालो, पहले पूरा राइट खींच के, स्टीयरिंग नहीं देवी जी गियर, पहली बात तो आपने पूरा क्लच ही नहीं दबाया, दबाए तो पहले गियर लीवर को अपनी तरफ पूरा खींचो, ऐसे नहीं, इसका रायता नहीं बनाना मैडम, कढ़ी नहीं बनानी है, समझ रहे हो, पूरा इसको राइट खींचो पहले अपनी तरफ, और खींचो, अब पीछे खींचो, लगा ही नहीं रही आप, गियर ही नहीं, आप एक बार में गियर लगता है, एक बार आप उसको पुश नहीं कर रही ना, लोगों ने इसको हिला कर इतना ढीला कर दिया है, एक बार में गियर लगा दूंगा आपको, क्लच छोड़ के दोबारा लगाओ, क्लच छोड़ो, अब दोबारा पूरा क्लच दबाओ, फुल फुल, मैं इस बार लगा दूंगी, पहले सुनो पूरा पीछे ले, आप उस, आप लग गया एक बार में लगा बस, अब आपने क्लच छोड़ दिया मैडम, सही क्या, अरे उसको मत न्यूट्रल करो, अच्छा, किसी भी गियर में गाड़ी को क्लच दबा के इंजन ऑन किया जा सकता है, कोई भी गियर हो गया, अभी आपने देखो झटके से क्लच छोड़ दिया, ये सब चीजें समझना पड़ेगा, सही कह रहे हो, आपको सिखाना बहुत बड़ा टास्क है, अब राइट का स्टीयरिंग घुमा दो पूरा 90 डिग्री से, राइट स्टीयरिंग घुमाओ, फुल फुल घुमा दो फुल, और क्लच और ब्रेक दबाए रहना, कुछ नहीं करना, राइट वाले वो आरबीएम को चेक करो, 90% नए ड्राइवरों के माइंड में क्या होता है कि हम राइट स्टीयरिंग घुमाएंगे तो गाड़ी हमारी लेफ्ट जाएगी, यही होता है ना, रिवर्स में हाँ सर, मैं उस दिन इसी वजह से कंफ्यूज हूं, ठीक है राइट घुमाएंगे तो लेफ्ट जाएगी, लेफ्ट घुमाएंगे तो राइट जाएंगे, पर ऐसा नहीं होता, राइट घुमाया आपने, अब ब्रेक छोड़ो और हाफ क्लच छोड़ो, राइट वाले आरबीएम को चेक करो, अपने राइट वाले आरबीएम को चेक करो, धीरे धीरे एकदम धीरे धीरे, हाँ पूरी कटी रहने देना, कुछ मत करना, यहाँ से हजारा स्विच ऑन कर दो, ये लाइट ऑन कर दो बीच वाली, हाँ इसको बस जाने दो, धीरे धीरे चलने दो, रोको मत, धीरे धीरे एकदम धीरे धीरे जीरो की स्पीड में, धीरे 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 धीरे, पूरा क्लच नहीं छोड़ना है, जाओ धीरे धीरे,
हाँ चलो जाने दो जाने दो, धीरे 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 धीरे, एकदम धीरे 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 धीरे, जाने दो जाने दो, कुछ नहीं करना है, जाने दो। हाँ जाने दो जाने दो, और जाने दो और जाने दो। हाँ धीरे धीरे चलने दो चलने दो चलने दो, सात फेरे मारने हैं। हाँ चलने दो, देखते रहना बस अपने लेफ्ट और राइट वाले, क्लच ज्यादा मत छोड़ो। ब्रेक आप दबा रही हो तो ब्रेक दबाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर थोड़ा सा क्लच छोड़ोगे तो क्लच से गाड़ी पूरी कंट्रोल हो जाएगी ना। जैसे भी आप ब्रेक लगा रही हो तो फिर ब्रेक लगाने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। वहाँ पीछे बाइक आ रही है, रोक लो। चलो अब छोड़ो फिर, पहले ब्रेक, गाड़ी आगे जा रही है, हाफ क्लच छोड़ना, हाफ, हाँ हाफ हाफ हाफ, बस जाने दो धीरे धीरे। गुड गुड गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, चलते रहो चलते रहो चलते रहो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। पूरी राइड कटी स्टीयरिंग, अब पूरी राइड जा रही है, इतनी जगह इसको कम से कम जगह चाहिए। हाँ आने दो, अभी रोकना पड़ेगा आपको, और जाओ पीछे, और जाओ पूरा क्लच देन ब्रेक स्टॉप, बस अब स्टीयरिंग सीधी करो, बस अब इसको पहले गियर में करो, पूरा क्लच दबाया है मैडम। हाँ बस अब गियर उखाड़ के घर ले जाओगे क्या, इतनी ताकत क्यों लगा रहे हो उसमें। चलो अभी सीधी करो गाड़ी, हल्का लेफ्ट आ जाओ, चलो पहले ब्रेक छोड़ो फिर हाफ क्लच, हाँ लेफ्ट आ जाऊं। चलो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, जय हिंद वंदे मातरम। सर ये जो आप बता रहे थे ना, मेरा सबसे बड़ा कंफ्यूजन यही था कि रिवर्स में